आज दिनांक 19 अगस्त 2019 को पूरे बिहार में शोक का माहौल है, क्योंकि बिहार ने आज असाधारण व्यक्तित्व के धनी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को हमेशा के लिए खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु पर बिहार सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जीवन की पूरी कहानी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जन्म 24 जून 1937 को सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के बलुआ बाजार नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रविनंदन मिश्र और माता का नाम यमुना देवी था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को बचपन से ही राजनीति में विशेष रुचि थी, क्योंकि उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र राजनीति में थे और भारत के रेल मंत्री भी बन चुके थे। अतः बचपन से ही डॉक्टर मिश्र को राजनीति में कुछ विशेष करने का शौक रहा था। हालांकि डॉक्टर मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेसर के रूप में किया था। बाद में वे बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। इस दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी। डॉक्टर मिश्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहने के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। डॉक्टर मिश्र 1975 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार वे 1980 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। तीसरी और अंतिम बार एक साल के लिए 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस समय डॉक्टर मिश्र की गिनती बिहार के सबसे ताकतवर कांग्रेसी नेता के रूप में होती थी। डॉक्टर मिश्र को 1990 में उनके कद को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बारे में एक और विशेष बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कर्पूरी ठाकुर के बाद ऐसे मुख्यमंत्री माने जाते हैं जो पंचायत तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम और उनके घर का पता याद रखते थे और उन्हें खत भी लिखा करते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र वैचारिक तौर पर कांग्रेसी ही रहे, लेकिन बाद में वैचारिक टकराव के कारण वे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में चले गए। फिर वहां भी उनका मन नहीं लगा और वे जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बन गए और अंत तक जनता दल यूनाइटेड के ही सदस्य रहे। चारा घोटाला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जीवन का काला अध्याय माना जाता है। 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला सन 1996 में सामने आया था। इस घोटाले के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सन 2013 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को दोषी करार दिया था। सजा के तौर पर डॉक्टर मिश्र को 4 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत मिल गई थी। फिर कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जीवन का वो सुनहरा समय आया जब 23 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाले के सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। चारा घोटाले से डॉक्टर मिश्र के बरी होने की खबर से उनका गांव और उनका गृह जिला खुशी से झूम उठा था। लोगों ने आपस में रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस खुशी को बड़े ही धूमधाम से मनाया था। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग और उनके जैसे नेता बहुत कम ही पैदा होते हैं, और भारतीय राजनीति में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसे नेताओं की कमी एक अपूर्णीय क्षति है।